हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो मैंने सीरीज चालू की थी उसकी अगली कड़ी में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कलेक्टिव नाउन का। फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कलेक्टिव नाउन का, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसके पहले मैंने जो है नाउन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, इसका वीडियो अपलोड कर दिया हूं। इस वाले वीडियो में हम लोग कलेक्टिव नाउन को देखेंगे, जिसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन है इंग्लिश में कि द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शंस ऑफ थिंग्स। देखिए, कह रहा है कि किसी झुंड, हिंदी में भी मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है कि किसी झुंड, व्यक्तियों के समुदाय तथा वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, किसी झुंड, जो झुंड को व्यक्त करे, चाहे व्यक्तियों का हो, जानवरों का हो, पक्षियों का हो, व्यक्तियों के समुदाय को, एक व्यक्ति चाहे जहां पर रहें एकत्रित हो, चाहे कोई, चाहे क्लास में हो, चाहे उनसे सैनिक बन रहे हो, कोई कमेटी बन रही हो, ऐसा हो तो वहां व्यक्तियों के समुदाय तथा वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्शन नाउन कहते हैं। आशा करता हूँ याद हो गया होगा, किसी झुंड, व्यक्तियों के समुदाय तथा वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब आइए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है कि क्लास, क्लास क्या है, क्लास छात्रों का एक समूह है, छात्रों का झुंड है या छात्रों का समूह है, छात्रों के समूह से मिलकर के क्लास बनता है, तो क्लास क्या है, ये कलेक्टिव नाउन। ध्यान रखिए, इसके नाम से स्पष्ट, कलेक्टिव, कलेक्शन, कलेक्शन दर्शाता है। आर्मी, ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये किसका समूह है, क्योंकि ये सैनिकों का समूह है, सैनिकों के समूह को जो है आर्मी बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लॉक, कह रहा है कि फ्लॉक क्या है, पक्षियों या सीप के झुंड को, पक्षियों या सीप या गोट के झुंड को जो है उसको फ्लॉक बोलते हैं। कमिटी, कमिटी, कमिटी मींस क्या होता है, समिति, समिति कह सकते हैं हिंदी में। और ये जो कमेटी है वो क्या है, सदस्यों का समूह है, सदस्यों के समूह को एक कमेटी बोलते हैं या समिति बोलते हैं, जिसमें कई सदस्य रहते हैं उनके समूह को। अब है क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़ होता है, तो क्राउड क्या है, क्राउड जो है लोगों की, लोगों के समूह को, जहां पर कई लोग एकत्रित हो जाए, समूह में हो जाए, तो उसको भीड़ कहा जा सकता है, तो क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और ये बंच, बंच जो है चाबियों के गुच्छे को बंच बोलते हैं, चाबी, चाबियों के गुच्छे को, चाबी एक समूह में है, कई चाबियां हैं, तो उसको बंच बोला जाता है। तो यहां पर क्लास, आर्मी, फ्लॉक, कमिटी, क्राउड और बंच, ये सभी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये किसी न किसी चीज के, व्यक्ति या वस्तुओं के कलेक्शंस को दर्शा रहे हैं, समूह को दर्शा रहे हैं। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया आपको कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अब कलेक्टिव नाउन से में कुछ विशेष वाक्य हैं जो कि नोटेबल हैं, नोट करने योग्य हैं, जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे क्या, नोट फर्स्ट, नोट लिखे हमने, नोट फर्स्ट में हमने लिखा है कि कलेक्टिव नाउन्स भले ही व्यक्तियों या अन्य प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं, न्यूटर जेंडर की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन से भले ही व्यक्तियों या प्राणियों के समूह का बोध हो, लेकिन इसको रखा जाता है किसमें, न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर, द आर्मी नोज इट्स ड्यूटी, आर्मी नोज इट्स ड्यूटी, कह रहा है कि सेना अपने कर्तव्य को समझती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इट्स लगा है, इट्स जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए लगता है, या उनके लिए लगता है जो न्यूट्रल जेंडर में होते हैं। अब जैसे अगर आप जानते हैं कि इट्स क्या है, पजेसिव केस में है, ही के लिए ही के साथ, अपना के साथ, अपना के लिए क्या लगता है, हिज लगता है, यू के साथ पजेसिव में योर लगता है, दे के साथ देयर लगता है, आई के साथ माई लगता है, वी के साथ आवर लगता है, यू के साथ योर लगता है, सी के साथ हर लगता है। तो अब यहाँ पर जो है ये आर्मी है, अब आर्मी के लिए क्या, अब पजेसिव केस क्या प्रयोग हुआ, इट्स प्रयोग हुआ है, और इट्स जो है न्यूट्रल जेंडर में लगता है। द आर्मी नोज इट्स ड्यूटी, आर्मी अपने कर्तव्य को समझती है, या आर्मी अपने कर्तव्य को जानती है। अभी नोट फर्स्ट हो गया, आज दूसरा देखते हैं। जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड, ध्यान सुनिएगा, जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है, तो प्रॉपर नाउन होता है। फिर सुनिएगा,
जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है तो वह प्रॉपर नाउन होता है। जैसे देखिए यहां पर साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, कमीशन क्या है? कमीशन तो सदस्यों का या पदाधिकारियों का एक समूह होता है, जिसको कमीशन बोलते हैं। इसे फला कमीशन बैठाया गया है, तो कमीशन क्या होता है वह ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसका नाम कोई विशेष नाम रखा है साइमन कमीशन, तो यह प्रॉपर नाउन है। ध्यान रखिएगा, केवल कमीशन रहे, कमीशन केवल रहे तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन उसका एक नाम रख दिया गया है, ये विशेष विशेष कमीशन के बारे में है, तो यह जो है प्रॉपर नाउन हो गया। द इंडियन आर्मी, अब यहां पर देखिए आर्मी क्या है, ये आर्मी तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन एक विशेष आर्मी संबंधित है, उसका नाम रख दिया है इंडियन आर्मी, अमेरिकन आर्मी, तो अब यहां पर ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। और अगला है कि द रॉयल नेवी, नेवी क्या है, नेवी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसका नाम रख दिया है रॉयल, तो ये विशेष हो गया, तो विशेष विशेष नेवी के बारे में कहा गया है, तो ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर नीचे हमने जो है अ लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, कुछ कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट को दे दिया है, जो अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर, करें कि सैनिकों की सेना, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या है, आर्मी है। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, करें कि संगीतज्ञों का एक बैंड, एक समूह, बैंड अगर आप सुनो बैंड बाजा, शादी में बैंड बाजा बजेगा, तो बैंड भी क्या होता है, वो उस संगीतज्ञों का एक समूह होता है, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन बैंड है। अ बैच ऑफ बॉयज, लड़कों का एक बैच, नहीं लोग कहते हैं कि हाँ फला लड़का जो है मेरे बैच में था, ठीक है, तो वहाँ पर वो बैच, यहाँ पर जो है बैच कलेक्टिव नाउन है। अब बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक, लकड़ियों का एक बंडल, एक गट्ठर, लकड़ियों का एक गट्ठर, बंडल क्या दर्शा रहा है, लकड़ियों के समूह दर्शा रहा है, तो यहाँ पर ये बंडल जो है ये कलेक्टिव नाउन है। अब बंच ऑफ कीस, चाबियों का गुच्छा, तो चाबियों के समूह को क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं, तो बंच इसमें कलेक्टिव नाउन है। अब बंच ऑफ ग्रेप्स एंड फ्लावर्स, देखिए यहाँ पर अंगूर और फूलों के समूह को भी बंच बोलते हैं, तो यहाँ पर ये जो है ये इसमें बंच जो है कलेक्टिव नाउन है। चाबियों के समूह को भी बंच बोलते हैं और अंगूर और फूलों के समूह को भी बंच बोलते हैं। उसके बाद है अ कैटलॉग ऑफ बुक्स, किताबों का कैटलॉग, जैसे लाइब्रेरी में किताबें जो है कैटलॉग के ऑर्डर में रखी होती हैं, ताकि आसानी से किसी भी राइटर की चाहिए तो उसको अल्फाबेटिकली उसको सर्च करने पर वहां पर मिल जाएगी, उसको कैटलॉग बोलते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों के समूह क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोला जाता है। अ फ्लॉक ऑफ शीप, बर्ड्स, गोट्स, पक्षियों के समूह को भी फ्लॉक बोलते हैं, शीप भेड़ों के समूह को भी फ्लॉक बोलते हैं, और गोट्स और बकरियों के समूह को भी फ्लैग बोलते हैं। देखिए अ गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का दल, डाकुओं के समूह को जो है क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अ हीप ऑफ सैंड, करें कि बालू का ढेर, बालू एक जगह जहां एकत्रित हो तो उसको हीप बोला जाता है, तो हीप जो भी है क्या है, यह कलेक्शन ऑफ सैंड है, बालू या रेत का ढेर है, तो हीप यहां पर क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अ हाई ऑफ बी, मधुमक्खी का छत्ता, छत्ता क्या होता है, पूरे मधुमक्खियों का एक समूह होता है, उसको हाइव कलेक्टिव नाउन है। अ हर्ड ऑफ कैटल, अब यहां देखिए पशुओं का झुंड, पशुओं के समूह को या झुंड क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, तो हर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। फिर से देखिए, अ हर्ड ऑफ कैटल, करे पशुओं के झुंड को, सी भेड़ों के झुंड को, डियर हिरण के झुंड को, इन सभी के झुंड को क्या बोलते हैं, इसको हर्ड बोला जाता है, तो हर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद है अ नेशन ऑफ पीपल, लोगों का राष्ट्र, अब यहाँ राष्ट्र भी क्या है, लोगों का एक समूह है, तो नेशन भी कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद है अ पाइला पूप, लकड़ी की चिता, यहाँ चिता क्या होती है, लकड़ियों का समूह होती है, तो वहां पर जो है ये भी कलेक्टिव नाउन है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, प्रतिदिन मैं आप लोगों के लिए एक उपयोगी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।